ये जो आपको छोटी सी दोस्तों दुकान दिख रही होगी, देख सकते हैं आप लोग, सुबह सुबह का टाइम है और ना हम लोग भी इस भीड़ के अंदर घुसते हैं, अपनी एक नाश्ता की प्लेट लेते हैं और बड़े से कंटेनर में यहाँ पे सब्जी रखा हुआ है, पूरी रखा हुआ है और गर्मा गर्म प्रिपरेशन है और सुबह से काफ़ी ही यहाँ पे भीड़ रहता है लोग। बात यह है कि जब से ये दुकान है तब से कोयले के आँच के ऊपर ही प्रिपरेशन होता है, गैस का कोई इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बड़े से परात के अंदर दही वड़ा रखा हुआ, गर्मा गर्म जलेबी का लॉट निकल रहा है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में जैसा आपसे कहे थे कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे खाने पीने के कोई अच्छे से प्लेस के साथ, तो जैसा ये शोर शराबा देख के आपको लग रहा होगा अभी हम लोग मौजूद हैं पटना जंक्शन पे और सुबह के करीबन 8 बज रहे हैं और सुबह सुबह का टाइम है, दुकानें यहाँ पे लग रही हैं और सुबह सुबह का हल्का हल्का धूप है और गर्मी के दिनों में जानते हैं आप लोग कि 10 बजे के बाद कैसा मौसम होता है। तो सुबह का टाइम है, हम लोग इधर से क्रॉस कर रहे थे तो यहाँ पे रुके और यहाँ के बारे में पता चला कि यहाँ पे एक पुरानी नाश्ते की दुकान है जो काफ़ी फेमस है, सालों से यहाँ पे पूरी सब्जी जलेबी दही वड़ा समोसा ये सब बिक रहा है और लगभग वो 50 साल पुरानी दुकान है जैसा सुनने में आया है। तो अभी हम लोग पटना जंक्शन पे मौजूद हैं, मेरे सामने में ही वो दुकान है, हम आपको लोकेशन समझाएंगे अच्छे से, पूरे वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिएगा, क्या कुछ मिलता है वहाँ, कैसा टेस्ट है, क्या प्राइस है, लोग कितना पसंद करते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और अभी तक आप लोगों ने अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो नीचे आईडी आ रहा है, जाके फॉलो कर लीजिएगा और आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं, ट्राई करते हैं, आपको बताते हैं कैसा है, टेस्ट दिखाते हैं, क्या कुछ वहाँ पर मिलता है। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं आपसे वीडियो में आगे। तो चलिए काफ़ी भीड़ है दुकान पे, आपको हम लेके चलते हैं, पहले हम लोकेशन आपको समझा देते हैं, पीछे आपको पटना जंक्शन दिख रहा होगा, पटना जंक्शन से हल्का पहले आप लेफ्ट साइड में देखिएगा तो यहाँ पे देखिए एक छोटी सी दुकान दिख रही होगी, जो आपको छोटी सी दोस्तों दुकान दिख रही होगी, देख सकते हैं आप लोग, सुबह सुबह का टाइम है और नाश्ता करने के लिए लोगों की कितनी भीड़ वहाँ पे है, भीड़ देख के आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कैसा टेस्ट है वहाँ पे। और पूरे पटना में काफ़ी फेमस है, अगर आप पटना से होंगे तो यहाँ के बारे में ज़रूर जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं, अगर पटना से नहीं है तो आज हमारे वीडियो के थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, टेस्ट करते हैं, बताते हैं क्या प्राइस है और देख सकते हैं सुबह सुबह के टाइम में कस्टमर की कितनी भीड़ है, सारे लोग खड़े होकर यहाँ पर अपना नाश्ता इंजॉय कर रहे हैं, हम लोग भी इस भीड़ के अंदर घुसते हैं, अपनी एक नाश्ता की प्लेट लेते हैं, गर्मा गर्म कचौड़ी सब्जी जलेबी दही वड़ा रखा हुआ है और सर्व हो रहा है और लोग काफ़ी ही इंजॉय कर रहे हैं और बड़े से कंटेनर में यहाँ पे सब्जी रखा हुआ है, पूरी रखा हुआ है और गर्मा गर्म प्रिपरेशन है और सुबह से काफ़ी ही यहाँ पे भीड़ रहता है लोगों का, उधर सब्जी का शायद प्रिपरेशन हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बड़े से कढ़ाई के ऊपर कोयले की आँच पे सब्जी का प्रिपरेशन यहाँ पे किया जा रहा है और खास बात यह है कि जब से ये दुकान है तब से कोयले की आँच के ऊपर ही प्रिपरेशन होता है, गैस का कोई इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया जाता है। एक बड़े से कढ़ाई के ऊपर काफ़ी अच्छा खुशबू आ रहा है सुबह सुबह के सब्जी का और लगभग एक लॉट सब्जी यहाँ पे खत्म भी हो चुका है और दूसरे लॉट का प्रिपरेशन यहाँ पे चल रहा है। अंकल कितने दिन से ये दुकान होगी आपकी? लगभग 25 साल। 25 सालों से, और 25 सालों से इसी तरह कोयले पे बना रहे हैं? कोयले पे बना रहे हैं और सेम यही चीज़ की पहले कुछ और बेचते थे? सेम यही चीज़ बिक रहा है, 25 सालों से यही बिकते आ रहा है। क्या क्या रहता है यहाँ? तो सामने है ना पूरी चीज, पूरी सब्जी। कितना प्राइस कितना रहता है प्राइस? अरे उस समय तो 12 रुपये से स्टार्ट हुआ है, 10 रुपये से आज 40 रुपये है। 40 रुपये जिसमें पूरी सब्जी और दही वड़ा। हाँ, जैसे जैसे महंगाई बढ़ते गया उस हिसाब से रेट बढ़ते गया। बात तो सही है कि अभी के टाइम में, और बात है कि अगर हाइजीन मेंटेन करके रखना है, क्वालिटी मेंटेन करके रखना है तो रेट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बड़े से परात के अंदर दही वड़ा रखा हुआ, गर्मा गर्म जलेबी का लॉट निकल रहा है, पूरी निकलता है और हाथों हाथ खत्म होता है लोगों की इतनी भीड़। एक बार फिर से हम आपको पीछे दिखा देते हैं कि सुबह सुबह का टाइम है और लोग कितना यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं अपना नाश्ता का प्लेट। और जो भी लोग अगर पटना से हैं, बाहर से हैं, या स्टेशन आते हैं सुबह के टाइम में, या कहीं बाहर से स्टेशन पे उतरते हैं या फिर आउट स्टेशन के, अगर यहाँ के बारे में उनको पता है तो ज़रूर आके यहाँ पर नाश्ता करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं अपना सुबह सुबह का नाश्ता इंजॉय कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं इनसे कि कैसा इनको टेस्ट लगता है। कितने दिन से भैया यहाँ पे खा रहे हैं? बहुत पहले जब बीच बीच में आते पटना से ही है कि बाहर से? बाहर से यहाँ आते हैं तो जरूर यहाँ। टेस्ट कैसा लगता है? अगर 10 में से नंबर की बात की जाए तो कितना देना चाहेंगे? 8 नंबर देना चाहिए। वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हाइजीन के लिए आपने नंबर काटा होगा जैसे हमें लगता है, थोड़ा बहुत हाइजीन का फैक्टर है, लेकिन क्या कर सकते हैं, रोड साइड का है, बाकी टेस्ट काफ़ी लाजवाब है। आइए हम लोग भी अपनी प्लेट लगवाते हैं, देख एक प्लेट भी हम लोग का लगा दीजिएगा। तो
तो जी अपनी नाश्ते की प्लेट आ गई है जिसमें कि चार पूरी, जलेबी, दही बारा, सब्जी और एक और पता नहीं किस चीज़ की, आलू की किसी तरह की चटनी है। तो आइए, देख के काफ़ी माउथ वाटरिंग लग रहा है, हम लोग भी ट्राई करते हैं। और पूरी का साइज़ हम आपको दिखाते हैं कि काफ़ी छोटा छोटा साइज़ का पूरी है, और देख सकते हैं आप लोग कितने छोटे छोटे साइज़ का पूरी है, और काफ़ी ही गर्म है और काफ़ी ही क्रंची है। तो आइए एक बढ़िया सा बाइट लेते हैं, ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा है टेस्ट और क्या खासियत है टेस्ट में, जो सुबह सुबह लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। तो काफ़ी ही खास्ता पूरी, एकदम क्रंची क्रंची सा पूरी, और काफ़ी ही खास्ता आलू चने की सब्ज़ी है जिसमें कि मसाला काफ़ी ही ज़बरदस्त दिया हुआ है, और आपको तीखा नहीं लग जाए इसलिए साथ में जलेबी भी दिया जा रहा है और साथ में दही बड़ा। और ये ट्राई करके देखते हैं कि किस चीज़ की चटनी है। काफ़ी ही डिलीशियस है और पूरी बहुत ही खास्ता सब्जी, आप वापस रिफिल भी करा सकते हैं। 40 रुपया इस प्लेट की प्राइस है, पहले प्राइस और कम थी, अभी प्राइस बढ़ चुकी है क्योंकि महंगाई आप लोग जान रहे हैं कि किस तरह से बढ़ रहा है। ख़त्म करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और आप लोग जानते हैं कि दही की चीज़ से थोड़ा सा एलर्जी है, इसलिए दही वाला ट्राई करके आपको नहीं बता सकते हैं, सॉरी, माफ़ी चाहते हैं, लेकिन अच्छा ही होगा जैसा लोगों का फीडबैक यहाँ पर लग रहा है। एक लास्ट बाइट लेते हैं वीडियो के लिए, फिर आराम से ख़त्म करते हैं कि अपनी ये नाश्ते की प्लेट ठंडी नहीं हो जाए।